गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल शो यू दैट दिस इज ए स्केलेटन सिस्टम। सो ये पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। सो आई होप इट इज क्लियर, सबको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्केलेटन सिस्टम हमारी इंटरनल बोन्स, जितनी भी इंटरनल बोन्स होती है, उन सबको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी एंड इट ऑल्सो गिव शेप टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी को शेप भी देता है, प्लस क्या ये ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट करता है। नाउ यू विल सी दिस इज कॉल्ड स्कल। ये क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं स्कल। नाउ स्कल के अंदर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती है। 22 में से 8 बोन्स है, उनको बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। वो बोन्स क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और 14 बोन्स प्रेजेंट होती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, फेस पे। तो फेस पे कौन, फेस में कितनी बोन्स है हमारी, 14 बोन्स है। नाउ यू विल सी दिस इज कॉल्ड रिब केज। ये क्या है, रिब केज। रिब केज हमारे यहाँ पे क्या होता है, लंग्स और हार्ट, तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है ये। और रिब केज में अगर आप देखोगे तो टोटल 24 बोन्स होती है एंड वन बोन इज दिस वन। दिस इज बोन, जो जितनी भी रिब्स आ रही है वो आपकी इससे अटैच हो रही है। तो इसको हम व्हाट वी कॉल दिस इज कॉल्ड स्टर्नम एंड दिस इज कॉल्ड रिब। पूरा इकट्ठा को हम बोल देते हैं रिब केज, और अदरवाइज दीज आर कॉल्ड रिब्स एंड दिस टूगेदर कॉल्ड होल रिब केज। और ये जो 24 रिब बोन्स है, रिब्स कितनी है, टोटल 24 है एंड वन बोन इज अटैच, दिस इज द बोन विच रिब्स आर अटैच विद दिस। तो इससे रिब्स अटैच है, सो दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। अभी देखो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम, आप ये भी बोल सकते हो बैक बोन। बट बैक बोन में कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो केवल एक ही बोन होती है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ए सिंगल बोन। यू विल सी देर आर स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट। तो इन स्मॉल बोन्स है ये, तो ये टोटल होती है 33 जो बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम में, दैट इज ओनली इन द बेबी। बट वेन वी बिकम अडल्ट, देन दिस वर्टिब्रल कॉलम विल बिकम ओनली 26। सो अडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं, 26, इनको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो कितने होते हैं अडल्ट में, 26, एंड इन यंग वन, दैट इज यंग बेबी, दैट इज 33। अंडरस्टूड? नाउ यू विल से स्टूडेंट्स दिस इज हैंड। ये क्या स्टूडेंट, हैंड है। इस हैंड के अंदर देखो यहाँ पे ये होता है सिंगल बोन यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी होती है, 2। ये ज्वाइंट आ गया, ठीक है, एल्बो ज्वाइंट हो गया यहाँ पे, और दिस इज 2 बोन्स आर प्रेजेंट हियर। हैंड के अंदर टोटल बोन्स होती है 30। टोटल कितनी होती है, 30। 30 राइट हैंड में, 30 लेफ्ट हैंड में। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमर, ह्यूमरस बोन, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड अल्ना एंड रेडियस। सो टोटल कितनी होगी, 1, 2 and 3। नाउ टोटल आई टोल्ड 30 ना, सो 1, 2 and 3 ये हो गई। अब यहाँ पे कितनी बची बोन्स स्टूडेंट्स, दिस इज ओनली 27। सो 27 बोन्स आर दिस एंड 2 बोन्स आर 27, 28, 29 अल्ना रेडियस एंड 1 इज दिस ह्यूमरस। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी हेयर ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो 30 हेयर एंड 30 हेयर। नाउ यू विल सी इन द लेग्स, लेग के अंदर देखोगे हेयर ऑल्सो, लेग्स के अंदर भी कितनी बोन्स होती है, 30 इन आवर लेग्स ऑल्सो वेयर यू आर सीइंग। सो वन बोन इज, दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट बोन। सो वट इज द नेम ऑफ दिस लॉन्गेस्ट बोन, फीमर, दिस इज कॉल्ड फीमर। सो फीमर एंड दिस इज कॉल्ड टेबुला एंड फीबुला, ठीक है, टीबिया एंड फीबुला। और एक बोन हमारे जो नी के अंदर होती है, जो घुटने के अंदर होती है, उसको बोलते हैं हम वट वी कॉल पटेला। सो टोटल बोन्स यहाँ पे कितनी हो गई, टोटल होती है 30। सो 1, एक यहाँ पे नी में हो गई पटेला, 2 देन टीबिया एंड फिबुला, 3, 4 नाउ टोटल 30 है। तो यहाँ पे कितनी बच गई स्टूडेंट्स, 26 यहाँ पे। सो 30 यहाँ पे हो गई और 30 इस लेग्स के अंदर, देन 30 बोन्स दिस राइट साइड, 30 बोन्स दिस राइट साइड। ओके, नाउ यू विल सी दीज आर कॉल्ड हिप बोन्स। ये कौन से, हिप्स में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। कितनी होती है पेल्विक गर्डल में, ओनली 2 बोन्स आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल। एंड पेल्विक गर्डल के अंदर स्टूडेंट्स कितनी बोन्स होती है, 2 बोन्स होती है, 1 दिस वन एंड 1 दिस वन। अंडरस्टूड दिस पेल्विक गर्डल? नाउ यू विल सी एक बोन क्या होती है स्टूडेंट,
नेक के अंदर होती है. वन बोन इज प्रेजेंट इन द नेक. सो व्हाट वी कॉल दिस वन? हायोड बोन. नेक के अंदर यहाँ एक बोन होती है जो इसमें शो नहीं हो रही अच्छे तरीके से, उसको हम बोलते हैं हायोड बोन. क्या बोलते हैं हम? हायोड बोन. और स्टडी ऑफ इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ बोन्स. नाउ सी ईयर, यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट? ईयर होते हैं. ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर, राइट ईयर के अंदर भी थ्री बोन्स है, लेफ्ट ईयर के अंदर भी कितनी है? थ्री बोन्स है. और सबसे लॉन्गेस्ट बोन आपको मैंने बताया था फीमर, बट सबसे स्मॉलेस्ट बोन है दैट इज कॉल्ड स्टेप्स. व्हाट वी कॉल दिस? स्टेप्स. सो थ्री बोन्स, थ्री और थ्री टोटल बोथ ईयर्स में कितनी हो गई? सिक्स बोन्स. नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द बोन्स? कोई रह तो नहीं गई ना बेटा? नहीं. ओके, सबको हमारे समझ में आ गया कि कितनी बोन्स कहाँ पे है. अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये स्केलेटन सिस्टम है इसमें आपको जॉइंट्स बता देती हूँ मैं आपको. सो यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको? बॉल एंड सॉकेट, सॉरी सोल्जर बोन रह गई है, इसलिए मैंने कहा था आप मुझे याद दिला देना. हेयर आर द टू बोन्स, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सोल्जर बोन्स. कितनी होती है? फोर होती है टोटल, टू दिस साइड एंड टू दिस साइड, वन टू एंड वन टू. सोल्जर में कितनी होती है? फोर बोन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल. क्या बोलते हैं इसको हम? पेक्टोरल गर्डल. तो ये फोर बोन्स हो गई, इनको ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं और इसको आप कॉलर बोन्स भी बोल सकते हो जो सोल्जर में है. अंडरस्टूड? अब देखो बेटा यहाँ पे जो बोन्स होते हैं इनके अंदर ये मिनरल स्टोर करके रखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिनरल? दैट इज कॉल्ड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. इन बोन्स के अंदर ही कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो. व्हाट वी कॉल दैट कैविटी? बोन मैरो. देन द बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स आर मेड. हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर. अंडरस्टूड? बोन मैरो. सो जितनी भी बोन्स है, बोन्स की जो बोन मैरो होती है उसके अंदर क्या बनते हैं? रेड ब्लड सेल्स. यहां पे देखो बेटा टू बोन्स, ये क्या है? इस स्टर्नम से अटैच नहीं है. देखो ये रिब्स है, इससे आके अटैच हो गई यहाँ पे, बट टू रिब्स यहाँ पे देखो अटैच नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. व्हाट वी कॉल दिस वन? फ्लोटिंग रिब्स. सो ये स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमारा पूरा डिटेल हो गया. अब एक बार हम इसके क्या देख लेते हैं? जॉइंट्स. लेट वी विल सी व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी. सो कुछ जॉइंट्स होते हैं नॉट मूवेबल, लाइक इन द स्कल. स्कल के अंदर जो जॉइंट्स प्रेजेंट है दे कांट मूव, दे आर कॉल्ड नॉट मूवेबल जॉइंट्स. बट इफ आई विल मूव दिस वन, सी दिस इज मूविंग ने, सो इट इज कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स. ये मूवेबल जॉइंट्स है. सो मूवेबल जॉइंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लेट आई विल टेल यू. सो देखो यहां जो बोन्स प्रेजेंट होती है, जो जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारा हैंड और शोल्डर के बीच में, दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में देखो स्टूडेंट यहाँ पे इट्स लुक लाइक ए बॉल. आगे से कैसे दिख रहा है? ये बॉल की तरह दिख रहा है बिल्कुल. और दूसरा कैसे दिखेगा? जैसे एक होलो कैविटी, जैसे हाथ के अंदर, और ये मेरा हाथ जो हो गया बॉल की तरह हो गया, तो ये इसके अंदर फिट हो गया बिल्कुल, ठीक है. और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे इनकी क्या हो जाएगी? मूवमेंट. सो वन बॉल मूव इन द होलो कैविटी. और ये मूवमेंट किस कैसे डायरेक्शन में? ऑल डायरेक्शन. दिस बोन हेल्प इन मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. हमारे हैंड्स ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना? yes. आगे पीछे ऊपर नीचे राउंड. अगर आप अपने हाथ को ऐसे से गोल घुमाओगे तो इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन. सो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हेयर ऑल्सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यू विल सी हेयर स्टूडेंट्स, ये दिख रही है यहाँ पे कैविटी, और ये क्या दिख रहा है बिल्कुल? वन इज दिस बॉल राउंडेड. सो वन एंड ऑफ द हैंड लेग बोन इज राउंडेड एंड अदर बोन इज इन द लाइक होलो शेप. तो ये इसके अंदर फिक्स होके एंड इट विल स्टार्ट मूविंग. So we can rotate our legs also. So this type of joint is called ball and socket joint. So here ball and socket joint, here also ball and socket joint. Now what here the joint is called? This is called which type of joint? Hinge joint. So यहाँ पे केवल अपने आप लेग्स को अगर मूव करोगे, जहां पे हमारा नी है, नी से अगर हम लेग्स को मूव करेंगे स्टूडेंट्स, मूवमेंट करके देखोगे, तो what you will say that the legs will move only in the one direction, that is called hinge joint. Understood? This is the hinge joint. So it moves in this direction, up and down. ऐसे back side में
और इस साइड में, वन डायरेक्शन ये हो गई, और आप इसको इस साइड और उस साइड भी ले जाके सकते हो, राइट और लेफ्ट की साइड भी मूव कर सकते हो, राउंड एंड राउंड भी मूव कर सकते हो. सो ये भी मैक्सिमम डायरेक्शन में मूव कर सकता है. बट आप इसको टू डायरेक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारे टू डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, और दूसरा क्या हो गया नॉर्थ साउथ. सो दिस इज द हेल्पिंग मूविंग द जॉइंट, दिस जॉइंट हेल्प इन मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. और ये क्या हो गया बैक और स्ट्रेट आगे, दैट इज कॉल्ड हिंग जॉइंट. ऐसे ही फिंगर के अंदर भी स्टूडेंट्स कौन सा जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट होगा. सो फिंगर को आपने क्या किया, यहां से वन डायरेक्शन देन स्ट्रेट. अब यहां से हम इसको पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते, सो हेयर ऑल्सो वन जॉइंट इज प्रेजेंट. अदर जॉइंट आई विल शो ओनली एंड ओनली इन योर बॉडी. ओके, सो दीज जॉइंट्स आई कैन शो ओनली ऑन योर, ओनली इन दिस स्केलेटन सिस्टम. आई होप इट इज क्लियर. सो टूडे आई विल आस्क वन क्वेश्चन, यू कैन गिव इन द कमेंट बॉक्स. सो वट इज द क्वेश्चन, टेल मी विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन्स इन अवर बॉडी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.